ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मित्रलीला प्रकृष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मित्रलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग एक दिन पहले श्रवण कर रहे थे माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ का नाम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्यों लिया है, माधुर्य क्या है और श्री कादंबिनी का मतलब क्या होता है, आ रहा है ना? हाँ, मतलब क्या है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अभी सामान्य मंगलाचरण श्लोक कर रहे हैं। बल हृदय प्रे नव भक्ति सस बीतते संजीवनी सोगमा रंभे काम तप्त त्रीता हदमती विश्वाप गोलासिनी पुराने मरु साखिनोपी सरसी भावाय भुवात् प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरकुश महामाधुर्य कादंबिनी। मंगलाचरण श्लोक में वो कहते हैं बोले साधक के हृदय क्षेत्र में नवदा भक्ति रूप धान्य आदि सस्य समूह को अथवा सद्य जात नवीन कोमल भक्ति रूपी सस्य समूह को सम्यक प्रकार से जीवन शक्ति प्रदान करने वाली, मतलब है यहाँ पर उदाहरण देते हैं साधक का हृदय जो है वो एक एक खेती है, क्योंकि हृदय में ही हम भगवत स्मरण हृदय में ही करते हैं, इसलिए हृदय को एक उन्होंने खेती को साथ में जमीन को साथ में उन्होंने उदाहरण दिया है, और जो नवदा भक्ति जो है उसको उन्होंने उदाहरण दिया जैसे उसमें धान्य आदि सस्य समूह, इसलिए श्री मद भागवत में आया है जब श्री हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्रश्न किया बताओ तुम्हारी गुरुदेव ने तुमको जो विद्या पढ़ाया वो विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है। प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं मेरे असली गुरु तो कौन है, श्री नारद जी। जब मातृगर्भ में मैं था मेरे गुरुदेव श्री नारद जी मेरे को उपलक्ष्य करते हुए 60,000 साल तक मेरे को
उन्होंने भगवान की कथा सुनाया, भक्ति पढ़ाया, तो उन्होंने बोले उत्तम विद्या हुआ है, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुरुषार्पिता विष्णु भक्ति चेतन लक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मने धीतमुतम। प्रहलाद ने कहा सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, हैं? इसलिए मेरे गुरु जी ने जो विद्या पढ़ाया मैं उसको बता देता हूँ। बोले पिताजी सर्वप्रथम गुरु जी की शरण में जाकर और ठाकुर जी के चरण में सबसे पहले शरणागत हो जाओ, हो करके क्या करो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। यदि जो नवदा भक्ति है इसलिए जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं साधन रे मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। इसलिए यदि इसी श्लोक में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो नव विद्या जो भक्ति है कहते अगर नव विद्या भक्ति में अगर एक भक्ति को भी अगर कोई निष्ठा पूर्वक जाजन करे तो उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। बोले श्रवण के द्वारा किसने प्राप्त किया श्री परिकेतु महाराज, कीर्तन के द्वारा श्री व्यास श्री व्यास की श्री सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के द्वारा कहते श्री प्रहलाद महाराज, बंधन के द्वारा अक्रूर, पाद सेवन के द्वारा लक्ष्मी, दास्य के द्वारा हनुमान, सख्य के द्वारा अर्जुन, अर्चन के द्वारा पृथु महाराज है, और ऐसे ही एक एक भक्तों ने एक एक भक्ति जाजन करते हुए, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एक अंग जाजे के वो जाजे बहु अंग कृष्ण प्रेम उपजये प्रेमर तरंग, निष्ठा है तो उपजये प्रेमर तरंग। कोई एक अंग जाजन करता है कोई बहु अंग जाजन करता है, लेकिन प्रेम कब प्रकट होता है कहते श्री निष्ठा से ही ये प्रेम प्रकट होता है, मूल है निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बताए कि जो नव विद्या भक्ति हो में भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है उसको जब सार रूप में लिया कहते पांच अंग है, क्या क्या पांच अंग है बताओ, पांच अंग क्या क्या है कहते नाम संकीर्तन श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन और मथुरावास साधु संग श्रीमद भागवत कथा श्रवण करना। इसलिए कहते सकल साधन अंग यही पंच अंग कृष्ण प्रेम उपज यार अल्प संग, पांच अंगों में अगर कोई एक अंग को कोई अगर थोड़ी सी जाजन करे तो उसको कृष्ण प्रेम को प्रकट हो जाता है। लेकिन ये सब जो अंग है मूल है साधु संग में ही भागवत कथा सुननी चाहिए, साधु संघ के द्वारा ही मथुरावास करनी चाहिए, साधु संघ की अनुगत्य में अर्चन करनी चाहिए और साधु संघ की अनुगत्य में श्री नाम संकीर्तन करना चाहिए। मैंने है साधु संघ, इसलिए साधु संघ के बगैर सबके सब बेकार है, इसलिए साधु संघ जिसमें मूल साधु संघ इसको जब सारांश लिया तो उसमें तीन आया है, क्या क्या तीन है श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये तीन अंगों को लिया। लेकिन उसमें जो सार रूप में लिया किसको लिया कीर्तन है, बोले कीर्तन को क्यों सार लिया उदाहरण दिया जैसे श्रवण कीर्तन और स्मरण, लेकिन ये कीर्तन को बीच में रखा, बोले बीच में क्यों रखा बोले जो बीच वाले ये दोनों को मदद कर सकता है, इसलिए हैं इसलिए कीर्तन जो करेगा कीर्तन के द्वारा क्या होगा जो कीर्तन करेंगे वही श्रवण होगा और जो कीर्तन करेंगे वही स्मरण होगा। इसलिए महाप्रभु ने बताया परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो कीर्तन सर्वश्रेष्ठ रूप में
हरि कीर्तन का हरि नाम की जय जयकार हो, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते ही हमारी हृदय क्या है, हमारा हृदय एक खेती है, लेकिन जो नव विद्या भक्ति क्या है, कहती ये इसका बीज है। हाँ, कहती ये बीज है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कोमल आदि सस्य समूह को अथवा सद्य जात नवीन कोमल भक्ति रूपी सस्य समूह को सम्यक प्रकार से नवीन शक्ति प्रदान करने वाली। उदाहरण दिया है, जैसे हृदय में जैसे कोई बीज को हम बोते हैं, बोने पर क्या होता है, अभी पहले वो अंकुर होता है, फिर अंकुर से उसमें दो पत्ते निकलती हैं, लेकिन जिस समय वो पत्ते निकलती हैं उसी समय में कहते वो अत्यंत अत्यंत कोमल होता है। इसका मतलब क्या है, कहते इसका मतलब है जीव जब भजन करने के लिए आता है, साधन करने के लिए आते हैं, इसलिए उनका जो निष्ठा, उनका जो श्रद्धा, वो श्रद्धा अत्यंत कोमल श्रद्धा होता है, तो श्रद्धा अत्यंत कोमल होता है, हैं? इसलिए इसलिए श्रद्धा दो तरह का बताया, क्या है, एक कोमल श्रद्धा है और एक दृढ़ श्रद्धा है। वो श्रद्धा अत्यंत अत्यंत वो कोमल होता है वो श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा कोमल अवस्था में होता है। कहते सस्य समूह को सम्यक प्रकार से जीवन शक्ति प्रदान करने वाली अपना हृदय को प्रारंभिक अवस्था में स्वसुख भोग की कामना वासना रूपी ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप को दूर करने वाली। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया, हृदय खेती है, नवदा भक्ति हो गया बीज, लेकिन वो अत्यंत कोमल होता है, लेकिन कोमल अवस्था में क्या होता है, इसलिए महाप्रभु श्री रूपक शिक्षा में कहते हैं, हाँ उसी समय में कभी कभी उसको सावधान से उसको पानी सिंचन करनी चाहिए, श्रवण कीर्तन जल करे सचन सिंचन करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें जो वृक्ष होना थोड़ी सी वो बकरी आकर खा जाती है, गैया आकर खा जाती है, इसलिए उसको क्या करो, उसको बाड़ लगा, चारों तरफ में उसको बाड़ लगा। इसलिए यहाँ उदाहरण देते हैं, जब भक्ति करते हैं प्रारंभ की अवस्था में, कहते सो सुख भोग की कामना वासना रूपी ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप को दूर करने वाली। जब साधन भजन करते हैं कभी कभी क्या होता है, बोले ग्रीष्म ऋतु, उदाहरण दिया जैसे कभी कभी गर्मी अगर ज्यादा हो क्या करता है, वो जो अंकुर को वो जला देती है, वो अंकुर को जला देती है। फिर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु क्या है, कहते ग्रीष्म ऋतु ये है जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति गुरुतम। जब रूप गोस्वामी उत्तमा भक्ति को उन्होंने लक्षण बताए जिसमें क्या नहीं होनी चाहिए, ज्ञान कर्म के द्वारा वो ढकनी नहीं चाहिए, हैं, कहते ये ज्ञान कर्म क्या चीज है, कहते ये उदाहरण दिया जैसे ये गर्मी समय में जैसे हैं, गर्मी समय में जैसे वो जला देती हैं, उसी तरह कहते जो अन्याभिलाष है, इसमें जो अन्याभिलाष शब्द प्रयोग किया है, अन्याभिलाष मतलब होता है कृष्ण भक्ति को छोड़ करके हमारे हृदय में जो अपना भोग की जो कामना है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रम ठाकुर कहते हैं भक्ति करते समय अपना अभिलाष नहीं रहनी चाहिए। तो उदाहरण देते हैं द्रौपदी के अंदर में अभिलाष, जब दुशासन का वस्त्र हमने कर रहा था, उन्होंने तो शरीर रक्षा करने के लिए भगवान को उन्होंने भी पुकारा है, जब उनकी हृदय में तो उनका हृदय में दिखता है विपत्ति में आने पर वो भी भगवान को पुकारती है, फिर उनका हृदय में तो भी अन्याभिलाषिता है। और उसे यहाँ पर उदाहरण दिया, यहाँ पर एक ईण प्रत्यय प्रयोग किया है, ईण प्रत्यय का प्रयोग होता है,
बोले स्वभाव की अवस्था में रहते हुए जान बूझ करके भगवान के प्रति जो बारंबार प्रार्थना करनी, स्वाभाविक अवस्था में या स्थिति अवस्था में, लेकिन प्रभु जी हमें विद्या दे दो, हमें पांडित्य दे दो, हमें पैसा दे दो, हमारी शादी करा दो, हमें नौकरी करा दो, हमारी बेटी की शादी करा दो, बेटा का नौकरी नहीं, हमें ये दे दो ये दे दो, कहते स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए जो बारंबार वो चीज को प्रार्थना करना, इसको कहते हैं वहाँ इन प्रत्यय होता है। इसलिए मूल शब्द अन्याभिलाष, लेकिन जो ता यहाँ पर प्रयोग किया गया वो संस्कृत में इन प्रत्यय होकर ता प्रयोग किया गया। इसलिए कहते अगर हठात तो कोई विपत्ति आ गई, अगर उसमें विपत्ति में देख करके अपना बुद्धि का हमने स्थिर नहीं रख पाया और भगवान को हठात पुकार दिया, जैसे घर में हठात चोर घुस आए, बोले हे प्रभु रक्षा करो, हठात आकर के बोल दिया, कहते इसमें कोई दोष नहीं। उसी तरह द्रौपदी ने जब भगवान को उन्होंने पुकारा था, उसी समय उनका बुद्धि स्थिर नहीं था, उनकी लाज जा रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान को पुकारा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम है। इसलिए जो कृष्णा भक्ति, कृष्णा सेवा को छोड़ करके और जितने अभिलाष सब दूसरे अभिलाष है। इसलिए कभी ये क्या है, जब तक ये दुनिया में रहेंगे भोग करते रहेंगे, नहीं तो दान करके पुण्य करके हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, वहाँ पर रंभा उर्वश मेनका हम साथ में रहेंगे, अमृत पान करेंगे। यदि ये जो स्वसुख अभिलाष है, यदि ये सब के सब ये अभिलाष है, अन्य ये अभिलाष है। इसलिए यदि जो गर्मी क्या क्या चीज है, सस्यत है बोले गर्मी क्या, बोले कपड़ता ध्रुतता सठता है, यदि ये अन्याभिलाषिता, यदि ये ही सबके सब ये गर्मी। अगर ये चीज होगा तो क्या होगी, फिर जो भक्ति लता जो बीज है उसमें वो सूख जाएगी, गर्मी के द्वारा वो सूख जाएगी उसके द्वारा। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम कर ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, यहाँ पर ज्ञान कर्म को त्याग देने के लिए नहीं बताया, क्या बोला अनावृतम, इसको द्वारा ढकनी नहीं चाहिए। अभी हम जो कथा सुन रहे अभी ज्ञान है, अभी ज्ञान ही, लेकिन ये जो ज्ञान कौन सा ज्ञान है, कहते भक्ति को पुष्ट करने वाले ये ज्ञान, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस, जहा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसलिए जो सिद्धांत जो तत्व दर्शन है ये थोड़ा कठिन है, अगर ये मत समझो अरे ये सब जिन चीज घुसाने का क्या जरूरत है, सीधा साधा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम माला जप करो, ये सब सिद्धांत विद्यांत सब दिमाग में घुसाने का क्या जरूरत, बोले नहीं जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज कहते थे जो सांप्रदायिक विचार को जो जितने अच्छे तरह से जानते हैं उसका भजन उतना ही दृढ़ होता है। जो व्यक्ति अपना सांप्रदायिक विचार को सही नहीं जानता है, बामन गोस्वामी महाराज कहते उसका भजन दृढ़ नहीं, क्यों, फिर तो इधर का बात सुनेगा उधर चले जाएगा, जब उधर का बात सुनेगा उधर चले जाएगा, जब सहजिया का बात सुनकर हाँ ये सही, जब है जब उन्होंने उल्टा पुल्टा अप संप्रदाय का बात बोले ये सही बता रहे, ये तो सही बता रहे हैं। इसलिए इसका दिमाग क्या होगा, कभी किधर कभी उधर कभी किधर बैठे। इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कह रहे थे नहीं, सिद्धांत बोलिया चिते नाकर अलस, सिद्धांत को जो जितने अच्छे तरह से समझेगा उसको भक्ति का प्रति उतना दृढ़ विश्वास होगा, नहीं तो भजन उसकी डामाडोल, उसकी भक्ति डामाडोल है, इसका भक्ति सही नहीं। इसलिए तीन तरह का भक्त होता है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। बोले कनिष्ठ भक्त कौन है, बोले जिसका भक्ति डामाडोल है, जिसका भक्ति में कोई निष्ठा नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हाँ जैसे हवा की झोंक से दिया
क्या बताएं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसका भक्ति सही नहीं। यदि कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त कौन है? मध्यम भक्त कौन है? जिसकी भक्ति, जिसका भक्ति स्वयं अपना भक्ति को सही कर लेता है, भले ही जो कुछ आए जो कुछ सुने, लेकिन अपना जो भक्ति को नहीं, अपना संप्रदाय अपना विचार को जो समझ करके अपना भजन साधन को जो बढ़िया से कर लेता है, हाँ अच्छे तरह से, दूसरों को तो समझा नहीं पाता है लेकिन अपना भक्ति वो एकदम बढ़िया से कर लेता है, कहती है मध्यम भक्त कौन, कहती उत्तम भक्त कौन है, कहती जो अपना भक्ति तो दृढ़ रूप में कर ही लेता है लेकिन दूसरों को भी सिद्धांतों के द्वारा तत्वों के द्वारा दूसरों को भी भक्ति में अनुप्रेरणा कर लेता है, उनको भी भक्ति में लगा देते हैं, कहती ये उत्तम भक्त है। इसलिए यहाँ पर बताए ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, मतलब ज्ञान कर्म को छोड़ने के लिए नहीं बताया है, ज्ञान कर्म को, कहते ये जो सुन रहे हैं ये भी ज्ञानी है लेकिन ये भक्ति को पुष्ट करने वाले ज्ञानी, बोले कर्म उन्होंने ये नहीं बताया कर्म को छोड़ दो, हम दिन भर कृष्ण गीता में कहते ना कर्म के बगैर एक सेकंड भी कोई नहीं रह सकता है, श्वास लेते हैं कर्म, बोलते हैं कर्म, खाते हैं कर्म, चलते हैं कर्म, जो कुछ करते हैं सब कर्म ही है, कहते कर्म के बगैर एक सेकंड कोई रह नहीं सकता, कर्म सबको करना पड़ेगा, इसलिए भगवान की रोसोई बनाते, कर्म कीर्तन करते, कर्म कथा बोलते हैं, कर्म सब कर्म, कहते कर्म को छोड़ने के लिए नहीं बताया, क्या बोला ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान कर्म को तरह ये ढकनी नहीं चाहिए, इसलिए ज्ञान को बताया तीन तरह का ज्ञान है, क्या क्या है, तत्पदार्थ, तम पदार्थ और तत्पदार्थ, जीव ब्रह्म और तत्पदार्थ, तम पदार्थ और जीव ब्रह्म में, जो जीव ब्रह्म में भगवान जीव में जो जीव ब्रह्म एक, इसलिए कहते जो यहाँ पर जो ज्ञान की बात बताया, ज्ञान अनावृतम, कहते जीव जो वो ब्रह्म में जो साजुज्य प्राप्त करना चाहते, जिसको ब्रह्म साजुज्य, तो ब्रह्म में जाकर के अंतिम समय में हम जाकर के लीन हो जाएंगे, ये ज्ञान को द्वारा ढकनी नहीं चाहिए, लेकिन जीव और जो भगवान में जो संबंध ज्ञान है ये ज्ञान तो होनी चाहिए, नहीं तो जीव को जीव रे स्वरूप है कृष्ण दास, ये ज्ञान होनी चाहिए, तो वो जो ज्ञान है वो भक्ति को बाधा देने वाली वो ज्ञान है, जो कर्म है, कहते कर्म मतलब, कर्म मतलब क्या, किसको कहते हैं कर्म, जो अपनी दर्शन जो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय मन के द्वारा भी किया जाए, इसलिए जो कर्म है यहाँ पर कर्म के द्वारा ढकनी नहीं चाहिए, शरीर का प्रति में और मेरा बुद्धि करके हम जो कुछ करते अपना सब कुछ अपना भोग के लिए करते हैं, जब तक ये दुनिया में रहेंगे तब तक क्या करेंगे, केवल इस संसार का भोग करना ही है, इसलिए इसी बुद्धि से जो काम करते हैं, कभी ये कर्म है, कभी ये दोनों को द्वारा ढकनी नहीं चाहिए, इसलिए कभी ये चीज क्या है, कभी ये सूर्य का ताप, ये सूर्य का कुटी नाटी है, जीव हिंसा प्रतिष्ठा, कभी यही ये गर्मी है, इसको द्वारा क्या होगा, कभी जो भक्ति लता है वो उसमें सूख जाती है, इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कहते अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, पहले भक्ति कैसे होनी चाहिए, पहले अनुकूलेन है, पहले अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या है बताओ, कृष्ण की रोचमाना प्रवृत्ति, जो काम करने पर कृष्ण सुखी है, सुखी है, लेकिन यहाँ पर भी कहते दो दो साथ हैं, कहते एक अव्याप्ति और एक है अतिव्याप्ति, कहते इसमें दो दोष आए, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, अगर कृष्ण की रोचमाना जिसको द्वारा कृष्ण सुखी हो, तो क्या उदाहरण दिए, उदाहरण क्या दिए बता, क्या उदाहरण, एक यशोदा में वो उदाहरण और एक चारुण और मुष्टि को उदाहरण दिया, अगर हम बोलेंगे जिसको द्वारा कृष्ण खुश होते हैं, लेकिन जब चारुण मुष्टि को साथ में कृष्ण बलराम जब मल्ल युद्ध कर रहे थे,
कृष्ण बड़े प्रसन्न थे। दाव हाथ में हाथी, छाती में छाती, जंग में जंगे, फिर दोनों एकदम मल्ल युद्ध कर रहे। कृष्ण बड़े खुश हो रहे थे, बोले क्यों? उस समय कृष्ण युद्ध रस को, वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। कृष्ण तो बड़े खुश थे, बड़े खुश थे कृष्ण। तभी समझनी चाहिए चारणों मुष्टि का जो भक्त श्रेष्ठ है, क्यों कृष्ण खुश हो रहे। लेकिन दूसरा उदाहरण दिया, क्या दिया? जब चूल्हे के ऊपर में मैया जशोदा दूध गर्म करने बैठा रखी थी, जब दूध उफन रहा था, मैया बोली कन्हैया थोड़ी सी गोद से उतर जा, दूध उफन रहा है, उसको थोड़ा रखा करे। क्या कृष्ण क्या बोले? बोले नहीं, मेरा अभी आधा पेट ही नहीं भरा और मेरे को गोद से उतार रहे हो, भर पेट दूध पिला करके तभी जाया करो। हैं, मैया ने क्या सोचा? बोले यहाँ पुत्र भी उफन रहा है, इधर दूध भी उफन रहा है, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए? बोले मेरे स्तन में जो दूध है वो तो कृष्ण के लिए है ही है, कभी भी मैं पिला सकती हूँ। अगर वो दूध अगर उफन कर गिर गया तो अरे मलाई नहीं होगा, मलाई नहीं होगा तो मक्खन नहीं बनेगी, मक्खन नहीं बनेगा तो लाला को मैं खिलाऊंगी। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण मैया ने कृष्ण को जोर जबरदस्ती वहां बैठा दिया, बैठा करके दूध रखा करने के लिए गए। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, अगर बोले कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, जो काम करने पर कृष्ण प्रसन्न होते, अगर भक्ति यदि यहाँ तो भक्ति दिख नहीं रहा है, यदि तो भक्ति का विरोध दिख रहा है तो फिर इसको भक्ति कैसे बोले? तो यहाँ पर क्या सीखा, क्या इसमें क्या विचार है? उनके हित में होना चाहिए, उनके हित में होना चाहिए। मतलब जब वहाँ पे दिख रहा है कि कृष्ण माता यशोदा ने कृष्ण को उतार दिया, लेकिन उधर जो मल्लयुद्ध है, मल्लयुद्ध में उनको लग रहा है कृष्ण का आनंद हो रहा है, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है वही कृष्ण को मारने की है, लेकिन यहाँ पर माता यशोदा का जो करना है कृष्ण के पालन के लिए है। इसलिए यहाँ पर सिखा देते हैं कि जो भक्ति है ना, ये भगवान के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये भक्तों के हृदय के ऊपर निर्भर करता है। भक्त की भावना क्या है, भगवान की भावना पर नहीं। अगर भगवान की भावना देखोगे तो दिखता है चारणों मुष्टि का भक्ति हो रही है, भक्ति हो रही है। लेकिन यहाँ पर भावना भक्तों की भावना पर, माँ जसोदा की भावना को देखो, क्यों कृष्ण को उन्होंने उतार दिया है? कारण क्या? नहीं, कृष्ण को मक्खन खिलाऊंगी, अगर वो उत्तल जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, कृष्ण का अमंगल होगा, फिर मक्खन कहाँ से लाऊंगी कन्या? इसलिए किसकी भावना? भगवान की भावना नहीं, ये भावना भक्तों की भावना के हृदय में ऊपर में निर्भर करता है। भक्ति भगवान की भावना को ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसलिए व्याप्ति और अति व्याप्ति, अति व्याप्ति कहाँ दिख रहा है? चारण मुष्टि में अति व्याप्ति क्या दिख रहा है? कृष्ण खुश हो रहे, और माँ जशोदा में अव्याप्ति, अव्याप्ति मतलब जो भक्ति का जो लक्षण है वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको भक्ति, इससे ही भक्ति बताएंगे। इसलिए बोले अनुकूलन, किसका अनुशीलन? बोले कृष्णानुशीलनम। तो वहां पर कह रहे हैं कृष्ण नाम यहाँ पर क्यों दिया है? तब श्री यहाँ पर कहते थे गुरुदेव रूप गोस्वामी, हमने जो भक्ति का जो डेफिनेशन दिया ना, वो ऐसे एक श्लोक को सारी भक्ति की, जितने सारे भक्ति की जो डेफिनेशन दिया गया, जैसे साप परानुरक्ति ईश्वरे है, उपनिषद ने बताया भगवान के प्रति परानु अनुरक्ति होनी चाहिए। उपनिषद ने क्या बताया वेद में? अनन्य ममता भक्ति ममता प्रेम समझता है, इसलिए अनन्य प्रेम होनी चाहिए, भक्ति का डेफिनेशन दिया है। और भक्ति की अलग अलग जगह पर भक्ति का तो डेफिनेशन दी गई, लेकिन रूप गोस्वामी ऐसे एक दिव्य श्लोक रचना की, सारे भक्ति है, सारे सारे भक्ति का जो डेफिनेशन को एक श्लोक में उन्होंने सब कुछ दे दिया। कहते राम भक्ति का प्रति, राम का प्रति भी भक्ति है, नरसिंह का प्रति भी भक्ति है, वराह देव का प्रति भक्ति है, वामन देव का प्रति भी भक्ति है, सबका प्रति भक्ति है, लेकिन होने पर भी वो उत्तमा भक्ति नहीं। उत्तमा भक्ति कब होगा? कृष्णानुशीलन, जब वो कृष्ण की अनुशीलन हो तभी उसको उत्तम भक्ति बताया जाएगा, नहीं तो भक्ति नहीं बताया जाएगा। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कहते भक्ति तो अंकुर हुआ है, लेकिन अगर उसमें
अगर गर्मी अगर ग्रीष्म ऋतु हो गर्मी हो क्या वो झुलस जाएगी। कहते क्या झुलस जाएगी, भक्ति भक्ति की भावना झुलस, मतलब भक्ति आगे बढ़ नहीं पाएगी, भक्ति नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए कहते श्री कहते वो चीज क्या है, कहते अपना कामना वासना रूपी सुख वासना रूपी ऋतु के तीव्र ताप के दूर करने वाली है, दूर करने वाली वो चीज क्या है, बोले विश्व के समस्त नदीरू भक्त समूह को उल्लास में भर देने वाली। वो क्या चीज लास्ट में बता रहे हैं, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु को कृपा ही, कहते इस हर चीज में महाप्रभु कृपा को जोड़ देते हैं। महाप्रभु का कृपा क्या है, महाप्रभु कृपा वो चीज उस चीज में जोड़ना चाहिए महाप्रभु कृपा। कहते महाप्रभु की कृपा कैसे है, कहते महाप्रभु कृपा ऐसे है, कहते तीव्र ताप को दूर करने वाली समस्त नदी रूप भक्त समूह को उल्लास से भर देने वाली। यहाँ पर उदाहरण दिया है महाप्रभु का कृपा कैसे है, हैं महाप्रभु का कृपा कैसे है, कहते महाप्रभु का कृपा ऐसे है जैसे बारिश होता है ना, बारिश होते 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 जैसे नदी का पानी भर जाती है, जब नदी का पानी भर जाती है फिर क्या होती है, फिर पानी उफंडने लग जाती है। कहते उसी तरह कहते चैतन्य महाप्रभु का कृपा कैसे है, हैं कैसे है चैतन्य महाप्रभु का। एक कीर्तन है चौधरी के बेड़ाए, वो क्या तुमको याद है, याद है चौधरी के बेड़ाए, हैं कहते ये महाप्रभु का जो कृपा है, कहते ये जो भक्ति कृपा, कहते पानी जब भर जाते हैं भर करके वो पानी को द्वारा क्या होता है, उफनते हैं पानी, उफन करके फिर सारे बांध बांध को ये तोड़ देती है। फिर कहते उसी तरह कहते महाप्रभु का जो कृपा ऐसे कृपा है, हैं ऐसे कृपा है महाप्रभु, ऐसे कृपा की चंडा दीन हीन पति पामर महाप्रभु ने उन्हें किसी को ही नहीं छोड़े। तो प्रेम उथलील प्रेम बन्या चौधरी के बेड़ाए, हाँ उथल करके चारी तरफ में दीन हीन और सबको उन्होंने प्रेम में भर दिया है। इसलिए कहते हैं चंडाले ब्राह्मणे करे कुला कुली कबे बाछी लगे रंग, जहाँ पर चंडाल ब्राह्मण दीन हीन महाप्रभु उन्हें किसी को नहीं छोड़ा, प्रेम सबको उन्होंने प्रेम प्रदान किया। यहाँ तक भी विदेश में भी महाप्रभु का प्रेम का भार विदेश तक भी गया, वहाँ पर जो गो मांस खाने वाले हाँ जो व्यक्ति जात पात से जो मुसलमान क्रिश्चियन हैं जो दारू पीने वाले अभी क्या कर रहे हैं, सबके सब गला में कंठी तिलक माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण प्रेम आय से जार दूर दर्शने, महाप्रभु अगर किसको दूर से भी एक बार अगर महाप्रभु ने दर्शन कर लिया तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम आ गया। महाप्रभु जो झारखंड में जा रहे थे, झारखंड में जाते समय उन्हें किसको प्रेम दिया, पशु पक्षी हाथी भालू को भी उन्होंने प्रेम दिया, सबके सब महाप्रभु के साथ में कीर्तन करते 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 महाप्रभु साथ में सबके सब कीर्तन करते 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 जा रहे थे। इसलिए महाप्रभु ने ये सबको उन्होंने प्रेम प्रदान किया। इसलिए कहते लोगों में कहते निरंकुश महामाधुर्य कादमिनी प्रभाव को वर्णना करते हुए कहते हैं, इसलिए कहते उनका जो कृपा अद्भुत कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु को। इसलिए कहते उदाहरण दिया जैसे जैसे अभी कहते महाप्रभु की कृपा रूपी असीम प्रभावशाली माधुर्य कादमिनी बहुत दूर से ही मरुभूमि में स्थित शुष्क प्राय निरस वृक्ष रूप मुझ में सरसता की संचार करे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं श्रीमन महाप्रभु की जो कृपा है असीम जो कृपा है वो क्या करता है, उदाहरण दिया जैसे एकदम धूप धूप है गर्मी गर्मी है,
लेकिन आकाश में जो मेघ छा जाती है, अगर दूर से अगर कहीं थोड़ी सी बारिश हो गई, आकाश में मेघ छा जाए ना, देन अपनी आप ठंडक आ जाती है, अपनी आप वहाँ ठंडक अपनी आप आ जाती है। तो ठीक उसी तरह है कहते श्री मन चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है, कहते महामाधुर्य जो कादम्बिनी, कहते दूर से ही मरुभूमि में स्थित शुष्क प्राय निरस वृक्ष रूप, इसलिए विश्वनाथ जी ठाकुर उदाहरण देते हैं मैं कैसे हूँ, कहते ये मरुभूमि में है शुष्क जैसे वृक्ष जैसे अपने आप, क्योंकि भक्तों का स्वभाव होता है दीनता ही उनकी स्वभाव, इसलिए प्रेम का एक स्वरूप दीनता के अपर नाम प्रेम है, प्रेम की अपर नाम दीनता है, यहाँ प्रेम वहाँ पर दीनता, अचैतन्यता वहाँ पर प्रेम है, इसलिए भक्त लोग का स्वभाव क्या स्वभाव है, त्रिनादपि सुनिचेना तररपि सहिष्णुना अमानीनांग मान देन कीर्तन्य सदाहरि, भक्तों का ही स्वभाव है हम दीन ही नहीं, वो अपने आप को कह रहे हैं मैं एक निरस शुष्क वृक्ष हूँ मरुभूमि में एक शुष्क वृक्ष हूँ, लेकिन महाप्रभु का कृपा कैसे महामाधुर्य का आदमिनी है, माधुर्य प्रेम रूपी ये बरसाल मेघ है, इसलिए ये जो महाप्रभु की कृपा रूपी प्रेम रूपी जो मेघ है मेरे हृदय में है क्या करे, मुझको सरसता संचार करे, मेरे हृदय में सरसता प्रदान करे। लेकिन वहाँ पर महाराज जी टीका में कहते हैं जैसे कोई वृक्ष है लेकिन उसका जड़ है, फिर उसके ऊपर पानी हो तो क्या होता है, पानी दे तो फिर वो पेड़ हरा भरा हो जाता है, एकदम हरा भरा हो जाती है, लेकिन कभी कभी कहते महाप्रभु का कृपा कैसे, कहते महाप्रभु की एक अद्भुत कृपा है जिसके हृदय में भक्ति है ही नहीं, भक्ति का भयतक भी नहीं, लेकिन महाप्रभु ने किया क्या, उनको भी महाप्रभु ने भक्ति प्रदान करते हैं, उनको भी भक्ति प्रदान किया, महाप्रभु का ऐसी कृपा है, बोले जंगल में पशु पक्षियों में है, कहते जंगल का जो पशु पक्षी है उनके हृदय में कौन सा भक्ति, वो तो जानवर है, लेकिन महाप्रभु जब चल रहे थे वो जानवर का हृदय में भी भक्ति की उन्होंने संचार कर दिया, वो लोग भी महाप्रभु का कीर्तन में नाच उठे है, उनको भी नाच उठे, इसलिए महाप्रभु जब दक्षिणी यात्रा में महाप्रभु गए थे तो वहाँ पर भी उनको साथ में काला कृष्णदास था, तो बौद्ध लोग लड़की का लोभ दिखा करके उनको भगाने चाहते थे, आ जाओ देखो कितना सुंदर लड़की है, तो काला कृष्णदास क्या किया उनको पीछे चला गया, लेकिन महाप्रभु उसको चोटी पकड़ करके ले आए और उन्होंने क्या किया, तो वहाँ पर जो बौद्धवादी थे हाँ महाप्रभु के ऊपर में कुछ अत्याचार करना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु उनके ऊपर में भी महाप्रभु कृपा करते, इसलिए महाप्रभु सब जीव के हृदय में जिसके हृदय में भक्ति का भाव भी नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन महाप्रभु का कृपा ऐसे है उनके हृदय में भी महाप्रभु ने भक्ति संचार कर दी, इसलिए मंगलाचरण में श्री विश्वनाथ प्रभु ठाकुर ये कहते हैं क्या कहते हैं, तुम्हारे तो हृदय एक निरस हृदय है और मरुभूमि जहाँ पर पानी पानी हीन, मतलब मेरे हृदय में भक्ति भक्ति कुछ है ही नहीं, इसलिए लेकिन महाप्रभु का जो महामाधुर्य का आदमी मेरे जैसे निरस व्यक्ति की हृदय को भी महाप्रभु कृपा करके ये माधुर्य रूपी कादम्बिनी को बरसा करके अपना भक्ति रूपी प्रेम को बरसा करके मेरे हृदय में भी भक्ति को संचार कर दे, बोले कौन, बोले श्रीमान महाप्रभु की कृपा, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं नम महाबलनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव तुसे नमः, प्रभु कहते केवल बदान्य नहीं महाप्रभु ने नम महाबलनाय, बदान्य में सबसे बड़े बदान्य दान करने वाले महाप्रभु क्या देते हैं, महाप्रभु ने क्या दिया है, बोले कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम दिया, बोले कृष्ण प्रेम भी बहुत तरह तरह का कृष्ण प्रेम भी बहुत तरह तरह का है प्रेम, लेकिन महाप्रभु ने कौन सा प्रेम दिया है, महाप्रभु ने
कहते ना यदि गौरांग नहित तबे पिहित के मने धारी तम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के गाओ पुनः पुनः गौरांग रघुना सरलाया माना ए भव सागरे ए मन दयाल ना देखिए एक जन में कहते श्री राधार माधुर्य प्रेम रस सीमा जगते जाना तो कि अगर महाप्रभु नहीं होता राधा रानी का प्रेम किया ब्रज का भाव किया और ब्रज भाव में भी हैं कहते ये ब्रज गोपियों की क्या भाव और उसमें भी कहते राधा रानी का जो आनुगत्य में सेवा करने वाले कहते जो मंजरी भाव को जगत को कौन कहता कोई नहीं इसलिए श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं अनर्पित चरण चिराग कन्हैया वो दुर्लभ प्रेम को आकर के महाप्रभु ने प्रदान किया महाप्रभु हमें जैसे व्यक्ति को कृपा करे हमारी जो निरस हृदय को महाप्रभु अपना प्रेम रूपी सरस को द्वारा हृदय को भर दे इसलिए ये जो श्लोक है कहते श्री मंगलाचरण का श्लोक बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की बोले श्रीमन महाप्रभु की गौर प्रेमानंदे हरि हरि वंशाधिकृतस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि